एक ऐसा स्थान जो शिव और शक्ति का निवास स्थान माना जाता है, एक पंडित की साधना व भक्ति का फल है यह पवित्र धाम। नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह राव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे अरविंद। आप इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों है मंदिर परिसर में एक शमशान, क्यों आती है प्रतिदिन एक लाश, यहाँ पर शिव शक्ति व शव का क्या है रहस्य जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो व नए सफर को। हमने हिमाचल प्रदेश की यात्रा शुरू कर दी है। धर्मशाला से 17 किलोमीटर, पालनपुर से 10 किलोमीटर, कांगड़ा से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ चामुंडा व भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पदर में स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए हम चामुंडा मंदिर जा रहे हैं। कुदरत ने अपनी सुंदरता यहाँ पर भरपूर मात्रा में लुटाई है। यहाँ की वादियों तथा यहाँ पर तेज वेग से बहती हुई नदियाँ आने वाले यात्रियों के जहन में एक अमिट छाप छोड़ती हैं। हम भी इस पवित्र धाम चामुंडा नंदकेश्वर मंदिर पहुँच चुके हैं। यह मंदिर देवी दुर्गा के उग्र अवतार चामुंडा देवी को समर्पित है। चामुंडा शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, चंड और मुंड। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवी काली ने इसी स्थान पर चंड मुंड नामक दो दैत्यों का वध किया था। इसी कारण यहाँ पर देवी को चामुंडा देवी के नाम से जाना जाता है और पूजा जाता है। यह है यहाँ पर मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार, जहाँ पर लिखा हुआ है श्री चामुंडा नंदकेश्वर मंदिर। तो आइए हम भी देवी चामुंडा के दर्शन करते हैं तथा इस स्थान के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। यह जो आप देख रहे हो, यह मंदिर का बीच वाला भाग है। यह खुला भाग ध्यान मुद्रा के लिए है। यहाँ पर ध्यान लगाने से भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। अब दर्शन करते हैं माँ चामुंडा के। यहाँ पर नए मंदिर का कार्य फिलहाल चल रहा है। माँ चामुंडा की यह प्रतिमा जमीन से खोदकर निकाली गई है तथा यहाँ पर स्थापित की गई है। आप दर्शन कर रहे हो माँ चामुंडा के। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के पदर में स्थित है। मंदिर में माँ चामुंडा की एक पवित्र छवि है। मंदिर में एक कोने में देवी के पद चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। माँ चामुंडा के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर भगवान शिव भी विराजमान हैं। चामुंडा मंदिर को शिव व शक्ति का निवास स्थान भी माना जाता है, इसलिए इस धाम को चामुंडा नंदकेश्वर धाम भी कहा जाता है। आप दर्शन कर रहे हो भगवान महादेव के, जो यहाँ पर एक पिंड के रूप में स्थापित हैं। यह पिंड मंदिर नुमा गुफा में स्थापित है। गुफा के आसपास मंदिर का निर्माण किया। पिंड रूपी शिवलिंग के साथ साथ इस मंदिर में शिव शक्ति की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। चामुंडा माता का मुख्य मंदिर पहले एक दुर्गम स्थल धौलाधार पर्वतमाला में स्थित था, जहां पर जाना कठिन था, जिन्हें आदि मानी चामुंडा के नाम से जाना जाता है, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। उस दुर्गम स्थल से वर्तमान स्थान पर मंदिर कैसे स्थापित हुआ, ये जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑन कर देवे, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए जानते हैं इस धाम का इतिहास। 17वीं सदी में यहाँ के राजा और ब्राह्मण पुजारी ने हिमानी चामुंडा माता से प्रार्थना की कि माँ आप सुलभ स्थान पर पधारे, यहाँ पर आना लोगों के लिए कठिन है। माँ चामुंडा ने ब्राह्मण पुजारी की प्रार्थना को स्वीकार किया और स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में देवी ने नए मंदिर की स्थापना की अनुमति दे दी और देवी ने मूर्ति प्राप्त करने और मंदिर बनाने के लिए इसी स्थान पर खुदाई करने का निर्देश दिया। ब्राह्मण पुजारी ने अगली सुबह अपने स्वप्न के बारे में राजा को बताया तो राजा ने मूर्ति लाने के लिए अपने सैनिक तथा कुछ आदमी भेजे। उन सैनिकों ने यहाँ पर खुदाई की तो खुदाई में उनको मूर्ति तो मिल गई, लेकिन वे उस मूर्ति को उठा नहीं सके। देवी ब्राह्मण पुजारी के स्वप्न में एक बार फिर आई और कहा कि उन सैनिकों को मूर्ति मिल गई है, लेकिन वे उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस मूर्ति को एक साधारण पत्थर समझ लिया है। देवी ने ब्राह्मण पुजारी से कहा कि शुद्ध वस्त्र धारण कर भक्ति भाव से जाओ। तब ब्राह्मण पुजारी ने वैसा ही किया, शुद्ध वस्त्र धारण कर इस स्थान पर आए और श्रद्धा पूर्वक माँ से प्रार्थना की और मूर्ति को आसानी से उठाकर वर्तमान जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर राजा की उपस्थिति में मूर्ति की स्थापना कर दी।
तभी से इस स्थान पर माँ चामुंडा की पूजा की जाती है। बनेर नदी के तट पर यह भव्य मंदिर स्थित है। मंदिर के प्रांगण में भैरव की भी स्थापना की गई है। मंदिर प्रांगण में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम की भी विशाल प्रतिमा देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में एक सुंदर स्नान घाट भी बना हुआ है। बीच में भगवान शिव की प्रतिमा और भगवान गणेश की प्रतिमा मौजूद है, साथ साथ माँ गायत्री की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। हिमाचल वेशभूषा में एक हिमाचली वास्तुकला की सुंदर प्रतिमा देखने को मिलती है, तथा दूसरी ओर शेरों की प्रतिमा भी देखने को मिलती है, जो वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश देती है। इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र है स्नान घाट को जोड़ता हुआ एक छोटा सा पुल, जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह पुल यहाँ का सेल्फी पॉइंट भी माना जाता है। लोग अपनी सुनहरी यादों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर आकर्षित होते रहते हैं। मंदिर परिसर में एक और सुंदर पार्क नजर आता है, वहीं दूसरी ओर शमशान घाट भी नजर आता है। कहते हैं प्रतिदिन यहाँ पर एक लाश अवश्य आती है। इसके बारे में यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने जानकारी दी कि भगवान शिव ने माता चामुंडा का क्रोध यहाँ पर शांत किया था। जब माता ने चंड मुंड नामक दो दैत्यों का वध किया था, तब माँ चामुंडा उग्र रूप में बहुत क्रोधित थी, जिसके कारण स्थानीय जनता भयभीत हुई। माँ चामुंडा का विकराल रूप देखकर भयभीत जनता ने खुद ही रोजाना एक व्यक्ति बलि के लिए देना सुनिश्चित किया। प्रतिदिन बलि के लिए एक घर से एक व्यक्ति जाने लगा। एक दिन एक महिला के बेटे की बारी आई, जिसे भगवान शिव की आराधना से प्राप्त किया था, उस बेटे को बलि के लिए भेज दिया, तथा उस महिला ने भगवान शिव से अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव उस महिला की भक्ति से प्रसन्न होकर एक छोटे बालक का रूप धारण कर लिया और उस महिला के बच्चे के साथ में रास्ते में खेलने लगे। दोनों बच्चे रास्ते में खेलने लगे, जिसके कारण बलि में देरी हो गई। बलि में देर होने के कारण माँ चामुंडा नाराज हो गई और उनका क्रोध बढ़ने लगा। तो देवी चामुंडा वहां पहुंच गई, जहां पर भगवान शिव बच्चे का रूप धारण कर उस बच्चे के साथ खेल रहे थे। माँ चामुंडा को क्रोधित देख वह बालक बोला कि मैं तो बलि के लिए आ ही रहा था, लेकिन इस बालक ने मुझे खेलने के लिए रोक दिया। ऐसे में बालक स्वरूप भगवान शिव ने माता को और अधिक नाराज कर दिया, जिसके कारण माता चामुंडा ने बलि के लिए आए बच्चे को छोड़ दिया और बालक स्वरूप शिव का पीछा किया और भगवान शिव पर कुछ पत्थर बरसाए। इन पत्थरों में से एक पत्थर को भगवान शिव ने अपनी उंगली पर उठा लिया। माता चामुंडा ये देखकर शांत हो गई और समझ गई कि सामने कोई बालक नहीं है, भगवान शिव हैं। माँ चामुंडा ने भगवान शिव से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने माँ चामुंडा से कहा कि आज से आप जीवित बलि न लेकर सब रूपी बलि को स्वीकार करें। तब से यह परंपरा आज भी चल रही है। यहाँ पर रोज प्रतिदिन एक शव आ जाता है। यहाँ पर दूर दूर गाँव के लोग यहाँ पर स्थापित मोक्ष धाम में अपने स्नेहजन मृतक का शव लेकर जलाने आते हैं, और जिस दिन बलि के रूप में शव नहीं आता है, तो यहाँ मोक्ष धाम में घास का पुतला बनाकर जलाया जाता है। इसीलिए यह धाम शिव शक्ति और शव के लिए प्रसिद्ध है। आज आपने चामुंडा माता नंदकेश्वर मंदिर के दर्शन किए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।